उत्तर प्रदेश के जनपद फरुखाबाद में पुरानी रंजिश के चलते घर के पीछे शौच करने गए युवक की दबंगों ने पुरानी रंजिश में गोली मार दी। परिजनों ने घायल युवक को आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सीओ मोहम्मदाबाद ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायल से घटना के संबंध में जानकारी ली। वहीं मामले पर सीओ मोहम्मदाबाद अरुण कुमार कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के ग्राम मदनापुर निवासी नंद किशोर यादव उम्र 26 वर्ष पुत्र जयद्रथ सिंह यादव देर शाम घर के पीछे शौच करने गया हुआ था। इसी दौरान कुछ लोगों ने नंद किशोर को गोली मार दी जिससे वह घायल हो गया। जब यह जानकारी परिजनों को मिली तो घायल युवक नंद किशोर को निजी गाड़ी से सीधे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। घटना की जानकारी मिलने पर सीओ मोहम्मदाबाद अरुण कुमार पुलिस बल के साथ जिला अस्पताल पहुंचे और घायल से घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। वहीं घटना के संबंध में मीडिया कर्मियों ने कई बार सीओ मोहम्मदाबाद से जानकारी करने की कोशिश की, लेकिन घटना के संबंध में मीडिया को कोई भी जानकारी दिए बिना ही वापस लौट गए। ईएमओ डॉक्टर अरिदमन सिंह ने प्राथमिक उपचार देने के बाद घायल युवक की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल लोहिया से हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं परिजन घायल को नाला मछरटा स्थित एक निजी अस्पताल लेकर चले गए। कब्जा करना चाहते थे लोग। कौन कब्जा करना चाह रहा था? अपने अंदर राज में। कहां के रहने वाले हो? बात हमारी 9 तारीख को इससे पहले भी मारपीट हुई थी, जिस पर इंस्पेक्टर साहब ने उनका हमें ही बंद कर दिया था। जिस बात में आज दोबारा उन्होंने हमारी गोली मारी। किसने मारी गोली? राज सिंह अभिनंदर सिंह और देखो हिंदर।